सबसे पहले ये जो रोहतास, कैमूर ये सब का जो इलाका था, वहां भी हमने देखा से कुछ साल पहले कि यहाँ की फसल को कटनी के बाद लोग जला रहे हैं। उस वक्त हमने विभाग को भी कहा कि भाई हम लोगों को इस पर अभियान चलाना चाहिए कई साल पहले। और पिछले दो साल पहले जो हमने पटना जिला में देखा और कुछ नालंदा जिले में देखा, और पिछले साल तो मत पूछिए कितना। और इस बार ठीक कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील मोदी जी ने, हम लोग साथ कई जगह पर गए हुए थे, हेलीकॉप्टर कई जगहों पर देख रहे थे, हम तो देखते तब भी देख लिया। वो जो अप्रैल मई में हम लोग चुनावी कार्यक्रम में घूम रहे तो देख रहे थे कई जगहों पर लोग इस तरह से, उसी तरह से जैसे शुरू हुआ पंजाब, हरियाणा और यूपी। अब सवाल है कि इसके खिलाफ क्यों इतनी बात हो रही, ये सारी बात हो रही, लेकिन कारण क्या है ये बात समझ में नहीं आती है कि अब पंजाब हरियाणा वगैरह में तो पुराना कैंपेन है, यहाँ पर आए हुए किसान बंधु वो अपनी बात बताएंगे भी, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आ रही, या कमी भी आ रही है तो उतना इफेक्टिव नहीं। अभी अभी दो दिन पहले समाचार पत्रों में हमने देखा कि शुरू हो गया वो पंजाब में और हरियाणा। तो इस तरह से जो कुछ विधान के फसल तो थोड़ा पहले हो जाता, उसका कटनी जो शुरू हुआ उसके बाद ये शुरू हो गया हमने देखा। तो हमारे यहाँ भी ये उसका ही अनुकरण हो रहा है। और ये जो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग होता है और पंजाब और हरियाणा में इसका उपयोग होता है और बिहार में भी वहीं से उपयोग होता है, हमने कहा जरा संख्या बताइए, कृषि विभाग ने संख्या का आकलन किया तो 1300 सिर्फ कंबाइन और हार्वेस्टर। अवशेष प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है और इसमें विभिन्न देशों के इतने विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। सब लोगों ने बताया है, आप लोग भी जानते हैं, उन चीज़ों को दुकाना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से फसल कटनी के बाद जो फसल अवशेष, जिसको पंजाब हरियाणा में पराली बोलते हैं, हम लोग के यहाँ पुआल बोलते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, और इसके बारे में कितनी चर्चा हो रही है देश में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन जगहों पर जो आग लगाया जाता है फसल कटनी के बाद, तो उसका असर पर्यावरण पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है उसका। और दिल्ली को जो कई प्रकार से जो पर्यावरण में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन का जो कारण बन रहा है, तो दिल्ली में जो कठिनाई आ रही है उसमें एक कारण यह भी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।